हम लोगों पर अलीगढ़ अतरौली में हमला हुआ है। अभी हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले हैं। हम पर बजरंग दल के लोगों ने पुलिस की सहायता से हमला किया और उसमें वहां पे पुलिस के लोग थे। पुलिस के किसी भी आदमी ने हम लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करी। हमारे कई लोगों के चोट आई है, बहुत ज्यादा चोट आई है, खून बह रहा है, हम उनको अस्पताल ले जा रहे हैं और कई लोग अभी भी हमारे गायब हैं। हमें उनका अता पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं। और मेरी पूरी गाड़ी वहां पे तोड़ दी गई है, मेरी गाड़ी की चाबी ले गए, मैं गाड़ी के अंदर थी उसी टाइम पे गाड़ी को पूरा तोड़ दिया गया, गाड़ी पे पथराव हुआ, हम लोगों पे ईंट। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी वहाँ से निकले हैं, लेकिन हमें इतना भी नहीं पता कि हम लोग पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम लोगों को यहाँ पे मरवाने का बिल्कुल इन लोगों का प्लान था कि हम लोगों को यहीं पर मार दिया जाए। अगर हम 2-4-5 मिनट भी वहाँ ज्यादा रुकते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, हमारे साथ के लोग जिंदा नहीं होते। पूरे हमें ईंटों से, हथियारों से मारने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी हम नहीं जानते कि पुलिस की हमें कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी। पूरा यहाँ पर सब साथ मिले हुए हैं, बहुत बुरा यहाँ पे हालत है। पुलिस के सामने वहाँ पे ये सब मारा जा रहा था और किस तरह की गुंडागर्दी है, आप सोचिए अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है जो आज ये हुआ है, क्या क्या माहौल है अलीगढ़ में, आप सोच सकते हैं कितना खराब यहाँ पर। और इस तरह की गुंडागर्दी मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि हम लोग जीवन में इस तरह का देखेंगे कि पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे लोगों को मारने की कोशिश होगी। उनको वहीं पर अगर उनका बस चलता हमें वहीं मार के दफना देते। हम लोगों पे अभी भी मेरी गाड़ी वहां पर है, हमारे लोग मिसिंग हैं, लोगों के खून बह रहा है और हम अभी भी पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि हम पुलिस कार्यालय जाए ना जाए हमें मदद मिलेगी, या फिर अगर हम पुलिस कार्यालय जाएंगे भी तो कहीं हमें पुलिस कार्यालय में ही वहां पे मार दिया जाए, वहां पे बजरंग दल के लोग पहुंचकर हमें जान से मार। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हालत है। और अभी भी लगातार हम लोगों के गाड़ी के साथ और इधर उधर बजरंग दल के लोग हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम किसी तरह यहाँ से निकले हैं और अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, अगर आज यहाँ से हम लोग वापस नहीं लौटते तो आपको पता होगा ये सब भाजपा सरकार बजरंग दल द्वारा यहाँ पे कराया गया, हमें मारने की कोशिश की गई। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे ये कहूंगी कि आप इसमें अगर कोई पत्रकार देख रहे हैं तो आप लोग ये जान लें, अगर कुछ होता है, जो भी आज मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा है, हम लोगों पे जो अटैक हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग भी इसमें बराबर के जिम्मेदार होंगे। और पूरी तरह से यहाँ पर भाजपा सरकार में किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बची है, बिल्कुल एक तरह का जंगल राज है। किसी भी आदमी को मारा जा सकता है, काट के फेंका जा सकता है, पूरी तरह की अराजकता है। हम लोग उनके सामने हाथ पैर जोड़ते रहे कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। एक महिला के होते हुए उन लोगों ने हम पे हमला किया, बहुत मुश्किल से किसी ने मुझे वहां से बचा के निकाला, नहीं तो हर तरफ से मेरी गाड़ी के शीशे टूट रहे थे, मेरी गाड़ी पे ईंट पत्थर मारे जा रहे थे, मेरे ड्राइवर को मार के उसके हाथ से चाबी